पिछले एपिसोड में आपने देखा, साइबर्ग सारे लीग मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर कोई नहीं आता। तब हर्मीज लीग को एक दिन का वक्त देता है सोचने के लिए, पर वो डायना को अपनी तरफ बुलाता है। लेकिन डायना को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो हर्मीज पर अटैक कर देती है। तब लीग और भगवानों के बीच लड़ाई वापस कंटिन्यू हो जाती है। स्पेस में सुपरमैन बेहोश पड़ा था, पर उसे सूरज की रोशनी मिल रही होती है। दूसरी तरफ ओलंपस में ज्यूस हेरा से कहते हैं कि मैंने इसके लिए अपनी ब्लेसिंग नहीं दी थी, जिस पे हेरा बोलती है कि ये बस शांति से पहले का तूफान है। पर ज्यूस कहते हैं कि तुम्हें मैनिपुलेट किया गया है, इन सब का एक ही गोल है और वो है वॉर, जिस पे हेरा बोलती है और इससे फायदा किसका है। तभी वहाँ कैद हुई हिपोलिता कहती है कि वुमन और मैरिज की भगवान को इससे कोई फायदा नहीं होगा, जिस पे हेरा गुस्सा होके बोलती है कि तुम्हारी बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर ज्यूस हेरा के सामने आके बोलते हैं कि नहीं मेरी वाइफ, अभी मुझे जल्दी से बताओ कि एरीज ने तुम्हें क्या कहा था। दूसरी तरफ शजाम जल्दी से हॉल ऑफ जस्टिस की तरफ जा रहा होता है, ये सोचते हुए कि मैं बच्चा जरूर हूँ पर मेरे पास विजडम ऑफ सोलोमन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टेमिना ऑफ एटलस, पावर ऑफ ज्यूस, करेज ऑफ एकिलेस और स्पीड ऑफ मर्करी है, और इनको मिला के ही बनता है शजाम। और तब शजाम हॉल ऑफ जस्टिस पहुंच ही चुका होता है। फिर वो आगे सोचता है कि मुझे बस शजाम बोलना होता है और मैं सबकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता हूँ, और अभी मैं यही प्रूव करने वाला हूँ। भगवानों को लीग के मेंबर से लड़ता देख बैटमैन आर्टिमिस से कहता है कि हरक्यूलिस डायना की जान ले लेगा और हम ये सब देखते रहेंगे, हम ऐसे जीतना नहीं चाहते। तब बैटमैन हरक्यूलिस के पास जाके उसे आवाज लगाता है, पर हरक्यूलिस उसे चले जाने को बोलता है। पर इससे पहले हरक्यूलिस आगे कुछ बोलता, शजाम हरक्यूलिस को एक जबरदस्त धक्का मारता है और हरक्यूलिस नीचे जाके गिरता है। तब शजाम हरक्यूलिस से पूछता है कि अपने बराबर वाले से क्यों नहीं लड़ते, जिस पे हरक्यूलिस तुरंत उठ के कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ। वहीं खड़ी हार्ली शजाम को चीयर कर रही होती है। तभी हरक्यूलिस शजाम के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसे देख के हार्ली भी मुंह बना लेती है। तब हेल हार्ली से पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम गलत साइड के लिए चीयर कर रही हो, जिस पे हार्ली बोलती है कि शजाम हर साइड से सही है। तभी शजाम हरक्यूलिस को एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोलता है कि तुम शायद एक भगवान होगे, पर मेरे पास 6 भगवानों की ताकत है। वहीं खड़ा हर्मीज बैटमैन से कहता है कि बीच में मत पड़ना, जिस पे बैटमैन बोलता है कि अगर ज्यूस वंडर वुमन की मौत चाहते हैं तो ये दिक्कत की बात है। तब आर्टेमिस उन दोनों के बीच में आके बैटमैन से कहती है कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। तभी हम देखते हैं बैट वुमन को डायना के पीछे, और अगले ही पल बैट वुमन डायना को एक लात मार के उससे कहती है कि अभी कुछ हिसाब बाकी है डायना, और अगले ही पल बैट वुमन डायना के गले में उसका लासो ऑफ ट्रुथ बांध देती है और उससे बोलती है कि ये हेलेना के लिए है। ये सब देखकर बैट गर्ल कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पे कैट वुमन कहती है कि वो वही कर रही है जो डायना डिजर्व करती है। तब बैट गर्ल बैट वुमन को रोकने जा रही होती है, पर कैट वुमन उसे रोक लेती है। तब बैट वुमन उन दोनों से बोलती है कि मैं ये हमेशा से करना चाहती थी, पर डायना इसके लायक नहीं है। वहीं पर शजाम और हरक्यूलिस एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे होते हैं, पर अगले ही पल शजाम हरक्यूलिस पर अपनी बिजली यूज करके उसे हक्का बक्का कर देता है और उसके झुकते ही अपने फाइनल ब्लो से उसे ढेर कर देता है, और तब वो हरक्यूलिस से कहता है कि सब खत्म हुआ। तभी हम देखते हैं सुपरमैन को होश में आते हुए। हॉल ऑफ जस्टिस के पास शजाम से हारा हुआ हरक्यूलिस शजाम को खेल खत्म करने को बोलता है, जिस पे शजाम बोलता है कि नहीं, मैं कोई किलर नहीं हूँ। पर अगले ही पल उन सभी को एक सोनिक बूम सुनाई देता है, और तब वो देखते हैं कि कोई आसमान से बहुत तेज स्पीड में जमीन पर आ रहा है। पर अगले ही पल हम देखते हैं सुपरमैन को, जो कि फुल स्पीड में हरक्यूलिस की बॉडी पर एक जबरदस्त वार करता है, जिसे देख के ओलंपस में ज्यूस भी हिल जाते हैं। सुपरमैन के उस जबरदस्त वार से हरक्यूलिस की मौत हो जाती है, जिसे देख के सारे भगवान हैरान हो जाते हैं, और भगवानों के साथ साथ लीग के मेंबर्स भी हैरान हो जाते हैं। तब बैट गर्ल पूछती है कि क्या भगवानों को भी मारा जा सकता है, जिस पे आर्टेमिस बताती है कि हरक्यूलिस एक डेमीगॉड था, उसे मारा जा सकता था। तब बैटमैन बोलता है कि तुम कह रही थी कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, पर हम इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि ये सब ना हो, जिस पे आर्टेमिस कहती है कि जंग में जाने तो जाती ही हैं, पर बैटमैन कहता है कि हरक्यूलिस बिना वजह मारा गया। तब शजाम सुपरमैन से कहता है कि मैंने उसे हरा दिया था, तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं थी, जिसपे सुपरमैन कहता है कि जरूरत थी,
क्योंकि तुम नहीं मारते। पर तभी सुपरमैन की पीठ पर एक तीर लगता है। तब शजाम देखता है अपोलो को जो कि सुपरमैन से कह रहा होता है कि अब भगवान के जादू को चखो सुपरमैन, जो कि तुम्हें एक बीमारी देगी। ये देखकर शजाम दंग रह जाता है और अगले ही पल वो सुपरमैन की पीठ से उस तीर को निकाल के अपोलो पर वार कर देता है। और तभी हर्मीज और बाकी भगवान शजाम की तरफ बढ़ते हैं। वहीं खड़ी कैटवुमन बैटमैन से पूछती है कि अब हम क्या करें, जिसपे बैटमैन कहता है कि भगवानों का इस्तेमाल करो जब तक कर सकते हो, हमारा प्लान अभी भी वही है। पर अगले ही पल बैटमैन के सर पर एक स्टिक लगती है और तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तब बैटमैन देखता है रॉबिन को अपनी तरफ आते हुए और अगले ही पल वो रॉबिन के वार से बचता है। तब रॉबिन बैटमैन पर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझ पर हल्का होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्चा नहीं रहा अब। जिसपे बैटमैन कहता है कि हाँ अब तुम बड़े हो चुके हो और सारे रॉबिन में से सबसे स्किल्ड भी हो चुके हो। तब रॉबिन कहता है कि धीरे बोलो, पर क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा फेवरेट बेटा थोड़ी सुन लेगा। जिसपे बैटमैन पूछता है कि क्या ये डिक के बारे में है। रॉबिन एक जोरदार वार करते हुए कहता है कि ये हमेशा उसके बारे में ही था। तब बैटमैन उससे बचते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना डेमियन, डिक के साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर मैं तुम्हें ही गलत ठहराता रहा। पर रॉबिन रुकता नहीं है और अगला वार करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपने मेरी तरफ कैसे देखा था और इसीलिए मैं आप पर भरोसा नहीं करता। और ऐसा कह के डेमियन बैटमैन को एक पंच मारता है। तब हार्ली बाकी लोगों से लीग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि क्या हमें उन लोगों से नहीं निपटना चाहिए। फिर वो शजाम की तरफ पॉइंट करके कहती है कि या उन लोगों से। जिसपे कैटवुमन कहती है कि अगर तुम भगवानों की मदद करना चाहती हो तो जाओ करो। और तभी शजाम एटलस को एक जबरदस्त पंच मारता है। तब हम देखते हैं रॉबिन और बैटमैन को लड़ते हुए, जहां रॉबिन बैटमैन को पीटते हुए बोलता है कि आप ये सब बहुत आसान बना रहे हो, क्या बात है, मुझसे डर लग रहा है। जिसपे बैटमैन बोलता है कि मुझे हार से डर नहीं लगता, मुझे तुम्हारे सुपरमैन को आंख बंद करके फॉलो करने से डर लगता है। मैंने तुम्हें पीछे किया जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि तुम चाहे कुछ भी करो मैं सब सही कर दूंगा, बस एक बार तुम सही राह चुनो और मेरी तरफ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ मेरे बेटे, हम वापस बैटमैन और रॉबिन कहलाएंगे। पर तभी डेमियन अपना रॉबिन का साइन हटाकर बोलता है कि नहीं, मैं कभी तुम्हारा रॉबिन नहीं बनूंगा, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। और तभी डेमियन बैटमैन की तरफ अटैक करने आता है। पर अगले ही पल बैटमैन डेमियन पर अपने घुटने से हमला करता है और डेमियन वहीं ढेर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शजाम ईरोस के पंख तोड़ के उसे नीचे गिरा देता है। पर अगले ही पल शजाम पर बिजली गिरती है और तभी शजाम बिली बैटसन बन जाता है और नीचे गिरने लगता है। Can't feel. I'm not gonna fall for gravity, 'cause the world.